तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे एक नॉर्मल सेटअप को हाई क्वालिटी सेटअप बना सकते हैं। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। अब मेरे रूम में आते ही आप लोगों को कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा मेसी है, मैं जानता हूँ। यहाँ पे बुक शेप है एंड रिंग लाइट वगैरह सारा चीज़ है। अगर आप लोग के पास रिंग लाइट नहीं भी है तब भी आप कैसे सेटअप करोगे वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा एक जो बैकड्रॉप है, इस बैकड्रॉप को मैं सेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे दीवार में कुछ यहाँ पे लाइन दिख रही है। ये लाइन वीडियो में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। हालाँकि मेरा जो दीवार है इस पर मैंने स्काई ब्लू कलर करवा रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो में। बट यहाँ लाइन बनने के कारण मैंने बैकड्रॉप ले लिया है। तो सबसे पहले हम लोग बैकड्रॉप सेट करेंगे। लोगों ने बैकड्रॉप को सेट कर लिया। अब आप लोग एक बात ध्यान दोगे कि मैंने ग्रे कलर का बैकड्रॉप लिया। ग्रे कलर का लेने का यही मतलब है कि बैकग्राउंड में मैं जो लाइट दूंगा उस कलर का ये बैकग्राउंड मेरा बन जाएगा। नहीं समझे ना, आप लोगों को एंड में पता चलेगा। तो ये बैकड्रॉप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा है नहीं, वही 250-300 के आसपास होगा। अब देखो ये बैकड्रॉप बहुत मेसी लग रहा है क्योंकि नीचे से बहुत ज़्यादा ढीला है, तो इसको हम लोग टाइट करेंगे। उसके बाद आप लोग देखो तो बैकड्रॉप हम लोग का प्रॉपर सेट हो गया है। यहाँ पे दाग है, इसको इग्नोर करना, ये वैसे भी बैक वीडियो में दिखता है नहीं। बैकड्रॉप सेट होने के बाद अब बात आती है लाइटिंग की। तो लाइटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ सिम्पेक्स का ये रिंग लाइट, जिसको मैंने 2500 में लिया था नहीं, एक कह सकते हो कि गिफ्ट में मिला था। अगर आप लोग के पास ये नहीं भी है, रिंग लाइट नहीं भी है, तब भी आप वीडियो बना सकते हो अच्छे तरीके से। पहले आप लोग देखो, इसको मैं मेन लाइट के तौर पर यूज़ करता हूँ एंड बैकग्राउंड लाइट के लिए मैं अदर लाइट यूज़ करता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। तो ये हम लोग का एक लाइट है छोटा सा, जो मैंने मेन लाइट के तौर पर खुद के लिए बनाया था, बट जब से रिंग लाइट आ गया तो इसको मैं बैक लाइट के तौर पर यूज़ करता हूँ। इसमें एक छोटा सा LED बल्ब है एंड मैं ये जेल पेपर इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ब्लू बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये ग्रीन है बट एडिटिंग के समय में हम लोग इसको ब्लू कर देते हैं। तो ये लाइट हो गया एंड ये लाइट हो गया। अब इन दोनों को हम लोग सेटअप करेंगे। हाँ, तो प्रॉपर बैकड्रॉप, प्रॉपर लाइट एंड मेन लाइट सब चीज़ सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने रिंग लाइट को अपने फेस के लिए इस तरीके से सेटअप किया है पूरा प्रॉपर। अगर हम लोग आगे कर देते हैं, यानी कि फ्रंट में यहाँ से डालते हैं, तो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा लाइट जाएगा, तो वो डार्क वाला टोन, जो सिनेमेटिक टोन होता है, वो नहीं बन पाएगा एंड बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये लाइट यूज़ कर रहे हैं ताकि बैकग्राउंड में भी थोड़ी सी लाइट आए एंड इस लाइट को इस एंगल में मैंने दिया है कि बैकग्राउंड में भी लाइट जाएगा एंड यहाँ मैं जो बैठूंगा पे हम लोग को फेस के हाफ फेस पे हम लोग का लाइट आएगा। तो कुछ इस तरीके का हम लोग का सेटअप रेडी है, देख सकते हो। एंड अब मैं अपने फ़ोन को सेट करूँगा एंड तब आप लोग को रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम लोग का पूरा सेटअप रेडी है एंड अब आप लोग को क्वालिटी में थोड़ी सी डिफरेंस तो लग ही रही होगी। एंड अब मैं आप लोग को डिटेल वाइज बताता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ फ़ोन Realme का 5 Pro, जिससे अभी आप लोग वीडियोस देख रहे हो। अब यहाँ पे प्लेन बैकग्राउंड लेने का भी एक और कारण बताता हूँ। अगर आप लोग फ़ोन से रिकॉर्ड करते हो तो बैकग्राउंड में ज़्यादा चीज़ें रखोगे तो वो बेसिकली ब्लर नहीं होगा, तो उससे थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब लगेगी। लेकिन अगर बैकग्राउंड प्लेन रखते हो तो वहाँ ब्लर का कोई भी ज़रूरत नहीं। या फिर आप कैमरा से शूट करो या फिर आप फ़ोन से शूट करो, एंड काफ़ी सारे लोगों के पास कैमरा होते हुए भी उनकी क्वालिटी, एंड फोन से शूट करोगे इस तरीके का सेटअप करने के बाद, तो आपकी क्वालिटी एकदम हाई हो जाएगी। अब ये रिंग लाइट है 2500 का, जो कि थोड़ा सा महंगा है। जो लोग स्टूडेंट होंगे उनको परचेज़ करना थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। तो अगर आप लोग बिगनर हो तो आप एक छोटा सा सॉफ्ट बॉक्स बना सकते हो एंड अपने फेस पर कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, तो आप लोग का काफ़ी हद तक काम कर जाएगा। एंड बैक लाइट के लिए आप लोगों ने देख लिया, मैं कोई RGB लाइट, कोई महंगा लाइट यूज़ नहीं करता हूँ। नॉर्मल एक CFL है जिस पर मैंने जेल पेपर लगा दिया है एंड वो मेरा बैक लाइट का भी काम कर देता है। एंड मैं माइक यूज़ करता हूँ बोया का, जो कि अब पहले पड़ता था 1000 रुपये का, बट अब बहुत कम प्राइस में पड़ता है, तो ये भी आप ले सकते हो। एंड अभी मैं गोरिल्ला ट्राइपॉड पे शूट कर रहा हूँ, बट मैंने रिसेंटली बाय किया है मोजा का गिम्बल, तो ये भी कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो प्रॉपर ये सेटअप है मेरा। तो टोटल सेटअप अगर आप लोग देख लो तो 12000 का
आसपास पड़ जाता है प्रॉपर सेटअप गिम्बल वगैरह लेके, उससे प्लस ही पड़ता है। बट अगर आप लोग के पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप जस्ट एक बैकड्रॉप खरीद लो जो कि आप लोग को 250 से 300 तक हो जाएगा, एंड दो लाइट खरीद लो CFL, छोटा सा LED बल्ब जो होता है वो ले लो, एक मेन लाइट के लिए एक बैकग्राउंड लाइट के लिए, तो आपका 650-700 तक प्रॉपर हो जाएगा एंड परमानेंट सेटअप हो जाएगा एंड बहुत बेहतरीन वीडियो लगेगी। ओके, अब इस सेटअप का एक और प्लस पॉइंट है कि आप लोग यहाँ पे रील्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर वीडियो समझ में आ गया होगा, एंड जो लोग भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इस चैनल पे क्रिएटिव वीडियोग्राफी, फैशन, मोबाइल फोटोग्राफी एंड मिनी ब्लॉग, ब्लॉग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाल दिए एंड मैं सोच रहा हूँ कि अब काफ़ी सारे लोग स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ भी आप लोगों को सिखाऊं। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ सीखना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है। एंड एक और बात, हम लोग का चैनल पे बहुत जल्द 20K सब्सक्राइबर होने वाला है, तो प्लीज़ कंप्लीट करा दो यार। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड ये वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा?